नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। जिला कारागार के पास ड्रोन मंडराने से मचा हड़कंप। बहराइच जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में बने जिला कारागार के पास मंगलवार देर शाम एक ड्रोन काफी देर तक मंडराता रहा। इससे जिम्मेदार अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कुछ देर तक हवा में उड़ने के बाद ड्रोन अचानक जमीन पर आ गया। इस दौरान आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता मोहम्मद तालिब के साथ सिराजुद्दीन खान की स्पेशल रिपोर्ट। आपका नितिन मिश्रा, कहां के रहने वाले हैं? यही इसी मोहल्ले के। आज अभी आप लोग के मोहल्ले में एक ड्रोन उतरा था, यहां पर काफी अफरा तफरी भी माहौल था, क्या हुआ था? ड्रोन जो है इस साइड से आया था, पैलिंग की साइड से, और आते के सीधे जो है यहां पे पेड़ से टकरा करके इधर ही रुक गया था। तो यहां पे हम लोगों को रोक कर दिया। यहां पे जब रुक गया तो लोग देख रहे थे, तो लोग बच्चे ईंटा टमाने आ रहे थे, उनको रोका गया और उसको किनारे रोक दिया। तो क्या सूचना भी पुलिस पुलिस को पहुंचा दी गई? पुलिस वहां से आई, कार्रवाई करी अपनी। आज दिनांक 19/1/2021 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत सत्येंद्र कुमार तिवारी निवासी रायपुर राजा के मकान के सामने बिजली के खंभे के पास एक ड्रोन कैमरा मिलने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंचकर ड्रोन कैमरा को कब्जे में लिया। आगे की जांच की जा रही है।